हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं, ये हमारे पर इंडिकेटर है जो कि ऑन नहीं हो रहा, इसको आज हम रिपेयर करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसकी एसी की लाइन लाइट जो है ऑन है, पीछे से केबल हमने लगाई हुई है, लेकिन फिर भी हम जब बटन प्रेस कर रहे हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा, तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। इसके जो पीछे से चारों पेच हैं वो हम इसको खोल लेंगे और इसका जो फ्रंट पैनल है उसको हम ओपन कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये कहता चलूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे YouTube के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर लाजमी क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हासिल हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें भी पता लगे कि आप लोगों को उससे फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं। तो अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ऑन ऑफ का बटन है उसको हम शार्ट करके चेक करेंगे। तो शार्ट करने के लिए हम ये पेच ले लेते हैं, ये पेचकस ले लेते हैं, इससे हम शार्ट करते हैं। तो ये देखें फ्रेंड, ये इस टाइम ऑन हो गया है। तो इसका मतलब है जो इसका ऑन ऑफ का जो बटन है वो ख़राब था। तो उसके अलावा यहाँ से ऑन नहीं हो रहा, लेकिन पीछे से जब हम इसको शार्ट कर रहे हैं तो ये वहाँ से ऑन हो रहा है। देख लें, यहाँ पे ये ऑन भी हो रहा है और यहाँ से ही ये ऑफ भी हो रहा है। ये इस टाइम ऑन है और यहाँ से हम दोबारा जब शार्ट करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो अब हम इसके सारे कनेक्टर वगैरह निकाल देते हैं। सारे कनेक्टर निकालने के बाद हम इसका जो कीबोर्ड का पैनल है उसको भी हम पेचकस से खोल लेते हैं। ये कीबोर्ड का जो पैनल था वो हमने खोल लिया है। अब इसको हम डिजिटल मल्टीमीटर के ज़रिए हम इसको चेक करेंगे कि कौन कौन से बटन ख़राब थे। तो ये हम मल्टीमीटर को हम बीप के ऊपर सेट कर लेंगे, बजर के ऊपर सेट कर लेंगे और हम इसको चेक करेंगे। ये बटन दबा के हम चेक कर रहे हैं, ये बटन भी इसका ख़राब है। इसके अलावा ये बटन भी चेक किया, ये भी इसका ख़राब है। दोबारा चेक कर लेते हैं, ये देखें ये बीप नहीं बज रही है, तो इसका मतलब है ये बटन भी इसका ख़राब है। उसके अलावा ये बटन भी इसका ख़राब है और ये बटन भी इसका ख़राब है। ये बटन भी इसका ख़राब है, खाली एक बटन इसका ठीक है, उसके अलावा सारे बटन इसके ख़राब हैं। सबसे पहले इसको सकर के ज़रिए हम सक कर लेते हैं इसकी फोल्डिंग को।
तो ये देखें फ्रेंड, इस टाइम हमने फ़कर के बरीफ की फोल्डिंग को हमने निकाल दिया है। अब हम छोटे बारीक पेचकस के ज़रिए हम ये बटनों को निकाल लेंगे। अब हमें निकालना इसमें आसानी होगी, निकालने में ये बटन निकालने में हमें आसानी होगी। अब ये देखें कितनी आसानी से ये बटन, जो ख़राब बटन थे वो कितनी आसानी से निकल रहे हैं। ये देखें ये बटन भी निकल गया इस टाइम, और इस तरह कितनी आसानी के साथ ये बटन निकल रहे हैं। एक बटन इसका ठीक था, जबकि बकाया बटन जो है हमने चेंज कर देंगे। ये हमारे पास सेम इसी तरह के हमारे पास बटन पड़े हुए हैं, तो ये बटन अब हम यहाँ पर लगा देंगे। बकाया बटन हम अंदर ही रख देते हैं, थोड़े से अपने पास जो हमने लगाने हैं वो हम अपने पास रख लेते हैं। तो एक एक करके हम ये दूसरे बटन भी हम लगा देंगे, और साथ साथ कावी के ज़रिए हम फोल्डिंग आयरन के ज़रिए हम इसकी फोल्डिंग कर देंगे। या आप देख सकते हैं कि हम बटनों को, इसकी फोर लेग्स हैं, हम चारों की चारों इसकी जो लेग्स हैं इसको हम फोल्डिंग कर देंगे फोल्डिंग आयरन के ज़रिए। इसी तरीके से हम सारे बटनों में फोल्डिंग कर देंगे। तो ये देखें फ्रेंड, इस टाइम इसके सारे बटन जो हैं वो हमने फोल्डिंग कर दिए हैं, और दोबारा इसके पेज जो है हम टाइट कर देंगे।
वो कनेक्टर को अब हम मेन बोर्ड के साथ लगा रहे हैं। ये देखें दोस्तों, जैसे ही हमने ये लगाया है तो ये ऑन हो गया है। अब हम सारे बटन चेक कर लेंगे। ये देखें, वीडियो का बटन भी टाइम वर्किंग कर रहा है, ये बटन भी वर्किंग कर रहा है, ये नीचे वाले दोनों बटन भी वर्किंग कर रहे हैं। उसके अलावा ऑन ऑफ का, ऑन ऑफ के बटन को दबा के रखते हैं। ये देखें, ये ऑफ भी हो गया है। इसका मतलब है ये सारे जो बटन हैं इस टाइम वर्किंग पोजीशन में हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार इस वीडियो को लाइक करके दीजिएगा, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना लगी हो तो कमेंट्स करके हमारे से लाजमी पूछा करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।